It is private. A class. वो प्राइवेट है क्या? मैंने कहा था वो लिंक शेड्यूल शेड्यूल है वो तो मैं पूरा करूंगा ना। करूं फिक्स्ड कहाँ जा रहे हैं भाई? अपलोडिंग इशू आ रही है। नहीं दादा, अंदर क्लासेस नहीं चल रही है। मैंने क्लासेस ली लेकिन दूसरी क्लासेस नहीं चल रही है। चलो ये मिलकर डिजीज वाला देख लेता हूँ। हाँ 1:30 बजे 6 हिमिनल डिजीज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। हाँ हेलो, वो मैं 3 बजे वाला क्लास था, वो मतलब मैं लाइव कर रहा था तो वो प्राइवेट आ रहा है।
वो जो मैंने शेड्यूल करवाया था ना, वो क्या कहते हैं, रीशेड्यूल जो करवाया था, जो 12 बजे था, वो मेंटी क्विज वाला था, मेंटी क्विज और बायोटेक्नोलॉजी शायद। हाँ प्राइवेट आ रहा है। ओके ओके हेलो हेलो। हाँ बोलिए। वहाँ श्वेता बोलो। फर्स्ट क्लास। शिट आज 20 थे एकदम। नहीं मुझे याद नहीं था थोड़ा सा, पर काम में बिजी था थोड़ा सा, ध्यान नहीं रहा, चेकआउट करना भूल गया मैं। ओके मैं भूल गया, एकदम मेरे दिमाग से निकल गया था। नहीं यार एकदम एकदम फ्री नहीं, एकदम पूरा टाइट पैक है मेरा शेड्यूल पूरा। ठीक है आज तो मत ही करना यार, किसी की राखी तक फ्री नहीं दी है कमीना ने, ये छुट्टी नहीं मिला हमको राखी तक में। हाँ मंडे चलेगा ठीक है। अच्छा एक काम, वेट वेट मिनट, एक काम करना ना, मुझे पॉलिसी जो तुम्हारा है ना उसका वो ये भेज देना थोड़ा सा ब्रोशर ब्रा, ठीक है मैंने मेल में मेल पे डाल देना मेरे। ठीक है ओके मैंने, मुझे यहाँ जहाँ तक याद है पॉलिसी बाजार पे जब मैं अप्लाई करने जाता हूँ तो वहाँ पर दोनों शो करता है, दोनों को मिलाकर। हाँ मैक्स री, मैक्स कौन सा था मैक्स। हाँ ठीक है तो उसी का मुझे भेज देना, उसी का भेजना। हाँ उसी का भेजना ठीक है। चलो ओके चलो बाय, मुझे उसी का भेज देना ठीक है। ओके
हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, मैसेज चेक कर रहा हूँ। नहीं यार नहीं, वहाँ तक प्राइवेट ही है। की तो वही रहेगा ना। मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं शो कर रहा है कि मैं लाइव आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। हाँ अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। चलो ठीक है, ओके। ओके ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अनअकैडमी लिख रहा है यूपी स्टेट बोर्ड क्लास 11th के लिए, ठीक है, दिख रहा होगा तुमको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैं हूँ तुम्हारा बायोलॉजी एडुकेटर, मैं तुमको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। अनअकैडमी का कुछ प्लस के ऑफर्स है, वो है 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ का प्लान का। दूसरा है 24, 36 और 48 मंथ का प्लान का। एक पे मिलता है तुमको 2 मंथ का बेनिफिट मिलता है, और एक पे तुमको 4 मंथ का बेनिफिट मिलता है, ओके। और तुम जाओ तो उस पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हो मेरा कोड यूज करके, SKUP10 का, ओके। देखो अनअकैडमी का क्या, एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है जो कि 22 अगस्त को है, ठीक है। पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो तुमको क्या मिल सकता है, जो टॉप 4 स्कोरर्स होंगे उनको क्या मिलेगा, फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ओके। नेक्स्ट देखो ये डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं जो चल रही हैं अभी, ओके। जा चाहो तो इसमें ज्वाइन अप कर सकते हो इसमें। चलो देखो आज का हमारा टॉपिक क्या था, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट्स है छोटा सा रिविजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये सारे टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मॉडिफिकेशन इन प्लांट, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, नेमाटोड रेसिस्टेंस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और इथिकल इश्यूज, देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे हैं ना यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी जो है काफी बड़ा इंडस्ट्री है आज के टाइम में। अगर बात किया जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का आजकल बहुत सारा पर्पस है ना। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मेडिकल लैब्स, बायोफ्यूल, बहुत सारा पर्पस है इसका, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है जहाँ पे हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, यूज आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके देखो एग्रीकल्चर के बेसिस पे, देखो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है ना। तो बहुत सारा पर्पस है कि नहीं यहाँ पे, फूड का प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाना है ना, अपने खाने के प्रोडक्शन को हम लोग को बढ़ाना है, यहाँ पर क्या कर एग्रीकल्चर की मदद से अपना काम कर सकते हैं। देखो हिंदी में भी है, ठीक है। देख रहे हो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के 3 तरीके, कृषि रसायन आधारित कृषि, जैविक कृषि, अनुवांशिक रूप से इंजीनियर फसल आधारित कृषि, यानी बहुत प्रकार की कृषि यहाँ पर उपलब्ध है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम चाहो तो जिसका भी यूज आउट कर सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट, वो क्या बोल रहा है, इट मेड क्रॉप प्लांट्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट, हीट। देख रहे हो यानी ये क्या करता है, जो बायोटेक्नोलॉजी है तुमको हेल्प करता है क्या करने में, तुम्हारी क्रॉप्स को बताओ क्या करने में हेल्प करता है, ये बताएगा कोई, एनीवन क्या करता है, मोर टॉलरेंट बनाता है क्या कर, अबायोटिक स्ट्रेस से झेलने में, कोल्ड से, ड्राउट से, सॉल्ट से, हीट से, ठीक है, इन सब से। नेक्स्ट आता है हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। देखो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप जो होते हैं, जो क्या कीड़े मकोड़े से बच सकते हैं, उससे क्या होता है, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, बोले क्या करते हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इससे क्या होता है उनकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
क्या लिख रहा है, इट इंक्रीजेस इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। ठीक है, मिनरल का जो यूसेज है प्लांट के द्वारा वो बढ़ाता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या करती है, वो बची रहती है। ठीक है, उसके बाद देखो, इट एनहांसेस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल विटामिन ए इन दिस राइस। देखो इससे क्या होता है, फ्यूल का जो होता है ना, फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू वो बना हुआ रहता है विटामिन ए का इन दिस राइस से। ठीक है, उसके बाद देखो, क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स। यानी क्या करता है, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो जिससे तुम क्या कर सकते हो, फ्यूल्स मिल सकता है तुमको, फार्मास्यूटिकल्स के काम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा अल्टरनेटिव पर्पस क्या है, इसका बहुत सारा है, अलग अलग पर्पस के लिए तुम इसको यूज आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट पे। ठीक है, तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारे ख्याल में सबसे पहले क्या आता है, बीटी क्रॉप्स। आज के टाइम में देखा जाए तो बीटी क्रॉप जो है उसका बहुत सारा अल्टरनेटिव पर्पस है ना। बीटी कॉटन आता है, बीटी कॉर्न हो गया, बीटी राइस हो गया, बीटी पोटैटो हो गया, बीटी सोयाबीन हो गया, तो बहुत सारे क्रॉप्स में हम लोग क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, एक्चुअली में देखो बैसिलस थुरिंजियंसिस क्या है, एक सॉइल का बैक्टीरिया है। ठीक है, और उसका जो प्लाज्मिड होता है, उसके प्लाज्मिड पर क्या मिलता है तुमको, एक जीन मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइजीन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्राइजीन करता क्या है, एक क्रायोजिन एक प्रकार का प्रोटीन निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राय प्रोटीन। और ये क्राय प्रोटीन क्या करता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्रायोजिन है ना, इस क्रायोजिन को निकाल कर पौधों में डाल देते हैं, तो पौधे के अंदर क्या बनता है, क्राय प्रोटीन बन सकता है ना। लेकिन देखो ये जो क्राय प्रोटीन जो बनता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी निष्क्रिय फॉर्म में रहता है। जैसे ही कोई कोई कीड़ा मकौड़ा आता है खाने के लिए उसको, ठीक है, जैसे ही खाना मकने के लिए आएगा कीड़ा मकोड़ा, तो क्या हो जाता है, जैसे ही खाया तुरंत उसका कहानी खत्म है ना। वो प्रोटॉक्सिन यानी क्या, किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव बन जाता है, यानी निष्क्रिय से सक्रिय बन जाता है जब कीड़ा उसको खाता है तो। ठीक है, जिससे क्या होता है, कीड़े की मौत हो जाती है ना, कीड़ा मर गया, इससे हमारा क्या हो गया, हमारी जो फसल होगी वो बच जाती है। ओके, नेक्स्ट आओ देखो उसका मैकेनिज्म उसी का है ना, क्या बोल रहा है, When an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active toxin due to alkaline pH of the gut, which solubilizes the crystal. ठीक है, जो क्या करता है, solubilize करता है, घोल देता है crystals को। क्या बोला है? The toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores. It causes cell swelling, lysis and death of the insect. इससे क्या होता है, सेल में स्वेलिंग आ जाता है, लाइसिस होता है, टूटने लगता है और इंसेक्ट्स की मौत हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, बीटी टॉक्सिन जीन्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, है ना। यानी बीटी टॉक्सिन जीन जो है उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं कहां से, बैसिलस थुरिंजियंसिस से, और उसको हमारे कहां करते हैं, अपने हमारे जो क्रॉप है, हमारी जो फसलें हैं उसमें हम लोग डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। यानी कहने का मतलब क्या, ग्रुप स्पेसिफिक है, ये सबको सारे कीड़ों को नहीं मारते हैं। क्योंकि देखो हमारी जो फसलें होती हैं उसमें बहुत सारे कीड़े क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं हमारे ग्रो करवाने में, ठीक है, और बहुत सारे कीड़े क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या करता है पर्टिकुलर उसी कीड़े को नुकसान पहुंचाता है जिससे हमको खतरा होता है। ओके, देखो लिखा हुआ है, टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राय। उस जीन का क्या नाम था, क्राय जीन था, जो क्या बनाता था, क्राय प्रोटीन बनाता था, है ना। तो प्रोटीन जो इनकोड किया गया था उसका नाम था क्राय 1 एसी और क्राय 2 एबी, ठीक है, और ये मारता किसको था, कॉटन बॉलवर्म को, ठीक है, और क्राय 1 एबी किसको मारता था, कॉर्न बोरर को। ये क्या करते थे, कॉर्न में छेद कर देते थे, खराब कर देते थे फसल को। नेक्स्ट आता है नेमाटोड रेसिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। देखो एक प्रकार का नेमाटोड था जिसको हम नाम देते हैं मेलोडिगाइन इनकोग्निटिया, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट को, यानी तंबाकू वो जो पौधे होते हैं उसको इफेक्ट करता है। और क्या करता है, काफी ज्यादा क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने का मतलब क्या, उसको घटा देता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको काफी बुरी तरीके से घटा देता है ये, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई स्ट्रेटजी is used to prevent this infestation. यानी RNA interference जो है, इस strategy का use करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे ये फसलों को क्या करते हैं, खराब करने से बचाते हैं यहाँ पे। Okay,
देखो ये क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? एक मेथड है किसका, सेलुलर डिफेंस का, यानी कोशिकीय रक्षा का। ओके और ये बेसिकली मिलता कहाँ है तुमको, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। ओके कहाँ मिलता है ये, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, यह क्या किससे बचाता है तुमको, ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए से बचाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला, सोर्स ऑफ दिस कंप्लीमेंट्री आरएनए, जो नया आरएनए डालते हैं ना, ये देखो डबल स्ट्रैंड आरएनए डालते हैं साइलेंस करने के लिए उसके बॉडी में, ठीक है। और ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है ये कहाँ से लाते हैं हम लोग, आरएनए वायरस से आता है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको ट्रांसपोजोम्स कहते हो, इसके बदौलत हम लोग यूज करते हैं इसका, इसको क्या करते हैं डाल देते हैं उसमें। ओके नेक्स्ट आप देखो क्या बोला, यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर्स नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डीएनए वेर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके नेमाटोड स्पेसिफिक जीन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसमें, होस्ट प्लांट में। इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन होस्ट सेल, ठीक है। द टू आरएनएज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो दोनों आरएनए जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। चलो आओ इससे क्या इनिशिएट करता है कि आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ नेमाटोड, है ना। क्या बोला, दस द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, यानी हमारा जो पैरासाइट जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाता ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर, है ना। तो इस तरीके का बहुत सारी चीजें यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है इंसुलिन के बारे में, है ना। देखो इंसुलिन जो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारा इंसुलिन। क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी क्या बताने का कोशिश कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज वाला जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, डायबिटीज जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन लेते हैं, है ना, रेगुलर टाइम इंटरवल पे इंसुलिन लेते हैं। और आज के टाइम में क्या हो गया, इंसुलिन को प्रोडक्शन किससे करते हैं हम लोग, किससे करते हैं, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। पहले के टाइम में क्या होता था, इंसुलिन जो था कहाँ से आता था, पैनक्रियाज ऑफ एनिमल्स, है ना, पैनक्रियाज ऑफ एनिमल्स हो गया, कैटल्स हो गया, पिग्स हो गया, जो क्या देते था वो जो इंसुलिन जो मिलता था वो उससे काफी ज्यादा एलर्जी होती थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाता था हम लोगों को, ठीक है। चलो देखो इंसुलिन जो बना होता है किस चीज से बना होता है, चेन ए और चेन बी, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है और दोनों को जुड़ा हुआ होता है किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है। अब मैमल्स क्या करते हैं, इंसुलिन क्या है, कैसा हार्मोन है, प्रो हार्मोन है ये, कैसे हार्मोन है ये, प्रो हार्मोन है। द प्रो हार्मोन नीड्स प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, ठीक है। ये जो प्रो हार्मोन है उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है जब तक हमारे बॉडी में काम ना करे, क्योंकि देखो हमारे बॉडी में जब इंसुलिन बनता है ना उसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, चेन ए, चेन बी और चेन सी, लेकिन मैच्योर में चेन ए और चेन बी ही रहता है, जो सी पेप्टाइड होता है ना वो निकल जाता है, जैसे ही मैच्योर होता है इंसुलिन वो निकल जाता है, ठीक है। क्या बोला, द प्रो हार्मोन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड, ठीक है, दिस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इन टू इंसुलिन, ये क्या करता है, रिमूव कर दिया, हटा दिया जाता है मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन, जैसे ही इंसुलिन मैच्योर होने लगता है उसको हटा दिया जाता है। ओके चलो आओ देखो, तो 1983 में एक कंपनी थी ए लिली कंपनी, ठीक है, उसने क्या किया, प्रिपेयर किया दो डीएनए सीक्वेंस को प्रिपेयर किया, ठीक है, ए और बी चेन का था इंसुलिन, और उसको क्या कहाँ डाला, प्लाज्मिड में डाला। तो ई कोली क्या किया, प्रोड्यूस किया इंसुलिन चेन को, प्रोड्यूस किया चेन ए और चेन बी को अलग से, ठीक है। ये जो कंपनी था ये क्या किया, चेन ए बनाया अलग से किसी वायरस बैक्टीरिया का यूज करके, चेन बी बनाया और फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। चलो देखो बोले अब आता है जीन थेरेपी के बारे में। देखो ये क्या है, जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो जीन क्या हो गया, खराब हो गया या फिर कोई जीन मान लो एबसेंट है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल जीन लगाते हैं, यानी जो खराब हो चुका जीन था उसको हटा के नया जीन लगाते हैं, या तो फिर अगर वो जीन गायब है उस जगह से तो फिर नया जीन वहां पर इंसर्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। और पहला जीन थेरेपी कब दिया गया था, 1990 में 4 साल की बच्ची को दिया गया था, ठीक है, जिसमें किस चीज की डिफिशियंसी थी, एक एंजाइम का डिफिशियंसी था जिसका नाम है एडेनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी। ओके चलो आप
देखो ये क्या होता है, कौन सा जीन के डिलीट होने के कारण होता है? एडेनोसाइन डीएमिनेज के जीन के डिलीट हो जाने के कारण होता है, ठीक है? यानी ये जीन इसके बॉडी में है ही नहीं, तो प्रोटीन कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं ना। तो इसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। बोन मैरो के क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, ओके, बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए, बट दिस अप्रोचेस आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। यानी कहने का मतलब क्या, ये सारा अप्रोच क्या कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाता उसको, ठीक है? ये क्या करता है, कम्प्लीटली उसको क्योर नहीं कर पाता। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म पे, क्या बोल रहा है, इन जीन थेरेपी लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन अ कल्चर, देन अ फंक्शनल एडीए और कम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिम्फोसाइट। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, लिम्फोसाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसके शरीर में ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है? पेशेंट के बॉडी में डाल दिया, ठीक है? तो अब इससे क्या हो गया, हर कुछ समय के बाद, हेलो सुनील, तो देखो हर कुछ समय के बाद क्या होता है, हमको बार बार उसके बॉडी में इंजेक्ट करते रहना पड़ता है, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद क्या होता है, लिम्फोसाइट सब क्या होता है, उसका लाइफ होता है ना। हाँ, अपना प्रॉपर लाइफ के बाद अगर डेड हो जाएगा तो फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ओके, ये आया। अब आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखो आज के टाइम में तुम लोग सुनते होगे कि क्या होता है, बहुत सारा मेथड है ना, बहुत सारा मेथड है जिसकी मदद से तुम लोग क्या कर सकते हो, टेस्ट करवाते हो ना, ब्लड टेस्ट सुनते हो ना, ब्लड टेस्ट, पीसीआर, आज के टाइम में कोरोना का टेस्ट भी तो पीसीआर के थ्रू होता है ना। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, पीसीआर हो गया या फिर इलिसा जो हो गया, वो बहुत सारा क्या इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक से या डायग्नोसिस है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, पीसीआर इज यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, ठीक है? पीसीआर का हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, किसमें, एड्स पेशेंट में। और पीसीआर का यूज हम लोग कोरोना वायरस को भी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है? चलो एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिसा जो है वो कैसा है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस पे काम करता है, ओके? चलो देखो तुम्हारे शरीर के अंदर अगर मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस घुसेगा, वो सब क्या एंटीजन है, ठीक है? और तुम्हारा बॉडी उससे फाइट करने के लिए क्या निकालता है, एंटीबॉडी। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, उसी को पकड़ता है कौन, इलिशा, ओके? इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, 95% क्या होते हैं, माइस होते हैं, ठीक है? चूहे होते हैं। अब इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, वैक्सीन का सेफ्टी टेस्ट करना था तो चूहे पे करेंगे, केमिकल की सेफ्टी चेक करनी तो चूहे पे करते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है? अगर हमको पता करना है कि इस जीन के डेवलपमेंट से या इस जीन के खराबी होने से क्या क्या डिजीज हो सकता है, तो इसका चेकआउट कर सकते हैं चूहों पे, है ना? नॉर्मल फिजियोलॉजी, तुम्हारे बॉडी में कोई चीज कैसे काम करता है, या फिर कोई मेडिसिन लेने के बाद हमारे शरीर में कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तो ये सब चेक करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। ये बच्चा वैसे ही एनिमल्स होते हैं, ये उस प्रकार के एनिमल्स होते हैं जिनका क्या होता है, जिसके शरीर में कोई बाहर का या फिर फॉरेन जीन्स जुड़ा होता है, ओके? कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला, ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, इसका हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट अप, अब देखो इंडियन गवर्नमेंट है सेट अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो क्या डिसीजन लेता है कि वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है? पब्लिक सर्विसेज के लिए ये डिसीजन लेने का काम करता है। नेक्स्ट अप, प्रॉब्लम्स ऑफ पेटेंट पेशेंट, ठीक है? पेटेंट का देखो, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मे बी ऑब्जर्व बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है? मेनी इंडिजिनस वेराइटीज आर क्लेम्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी एज देयर ओन इन्वेंशन। देखो बहुत सारी वेराइटी होती है, जो क्या थी, वेराइटी कैसी थी, लोकल वेराइटी थी ना, उसको मल्टीनेशनल कंपनी क्या करता है, अपना इन्वेंशन बन के क्या अपने इन्वेंशन का नाम देके इसको क्या करता है, रजिस्टर्ड कर लेता है अपने पास, ओके? चलो जैसे देखो बासमती का केस है ना, अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती वाज क्लेम्ड बाय एन अमेरिकन थ्रू पेटेंटिंग, दिस न्यू वैरायटी हैड एक्चुअली डराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स
बाय क्रॉसिंग इंडियन बासमती विद सेमी डो वैरायटी। देखा बासमती की जो वैरायटी थी, एक क्या कि एक बाहर से एक कंपनी आई, उन्होंने क्या किया, दो वैरायटी जो थी इंडियन फार्मर की उसको क्रॉस करवाया और जो नया वैरायटी बना उसको अपने नाम पर डाल दिया। ठीक है, ये तो गलत तरीका था ना। इस तरीके से क्या था, बहुत सारा वैरायटी नीम का, टर्मरिक का, इस तरीके के क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज कर लिए। अब आता है बायो पायरेसी। इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। यानी कहने का मतलब क्या, ये किसका यूज है, बायो रिसोर्सेज का यूज है, बाय कैसा, मल्टी नेशनल कंपनीज के थ्रू। ठीक है, मल्टी नेशनल कंपनी बेसिकली क्या करती है, वो दूसरे की चोरी करती है ना, दूसरे के रिसर्च का, है ना, बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के उस कंट्री का क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करती है बिना पीपल्स के कंसर्न के, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलप्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। यानी क्या बोल रहा, इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड नेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिच होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, कैसे, फाइनेंशियली रिच होते हैं, बट डाइवर्सिटी में क्या होते हैं, पुअर होते हैं, गरीब होते हैं डाइवर्सिटी में। ठीक है, और ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास होता नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, वो शोषण करते हैं किसका, ट्रेडिशनल नॉलेज का और रिसोर्सेज का, किस किस कंट्रीज का, पुअर कंट्रीज का, यानी गरीब कंट्रीज का, फॉर कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्स के पर्पज से। ओके, नेक्स्ट अप, द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल टू डील विद सेम इशू। देखो हमारे पार्लियामेंट ने भी क्या लिया, एक नया सेकेंड अमेंडमेंट पास किया इंडियन पेटेंट बिल के नाम से, जो क्या करता था, बायो पायरेसी को रोकने में हेल्प करता था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। पहले देख लो क्वेश्चंस को एक एक करके, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता जाऊंगा सबका। देख लिया, देख लिया बच्चा। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, यहां पर तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी है क्या, ए बी सी डी आपस में है क्या, तो चलो बताओ, ट्राई करो, कमेंट में आंसर दे सकते हो तुम लोग। ठीक है, कमेंट में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, चलो 30 सेकेंड्स, कमेंट में आंसर दे सकते हो तुम लोग। ओके, इसका क्या होगा आंसर, टू होगा, टू नंबर। क्या ए जो है वो क्या है, प्रो इंसुलिन है। अब उस प्रो इंसुलिन को जब हम लोग मैच्योर करते हैं तो क्या बचता है उसमें, ठीक है, क्या बचता है, देख लो ना, बी और सी बचेगा, है ना, यानी चेन ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, बी और सी जो नाम लिखा हुआ है वो बताता है कि वो क्या है, ए पेप्टाइड है और ये बी पेप्टाइड चेन है, और जो सी है वो डी है। ठीक है, जो सी पेप्टाइड जो चेन था वो डी नंबर से है, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन थेरेपी। तुमको बताना जीन थेरेपी का करेक्ट सीक्वेंस बताना है, चलो बताओ, ट्राई करो। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं ये, ट्राई इट। तीस सेकंड दे रहा हूं तुम लोगों को। यू हैव 30 सेकंड्स। इसका क्या हो जाएगा,
इसका भी हो जाएगा तुम्हारा टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा तुम्हारा टू। ओके देखो कैसे, देखो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, देखो इंसर्ट आरएनए वर्जन ऑफ नॉर्मल एलील इनटू आर रेट्रोवायरस, ठीक है। थर्ड में देखो, लेट रेट्रोवायरस इन्फेक्ट बोन मैरो सेल्स एंड देन हैव रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट एंड कल्चर, ठीक है। उसके देख रहे हो, वायरल डीएनए कैरिंग द नॉर्मल एलील इंसर्ट्स इनटू क्रोमोसोम, इंजेक्ट जनरली इंजीनियर इन सेल्स इनटू पेशेंट फ्रॉम बोन मैरो, है ना। पहले निकालेंगे फिर डालेंगे तब ना बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट आप चलो इसका देखो, थर्ड का ट्राई करो, कौन सा फॉलोइंग में से करेक्ट है, लेट्स ट्राई। थर्ड का है, ट्राई करो, कोशिश करो। ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में बात किया, फिर डीएनए को कैसे इंसर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी बात कर रहा है ना। प्रोब, प्रोब क्या था, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लोग पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में प्रोब के बारे में क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सारा का सारा करेक्ट हो जाएगा। देखो पहले क्या बोला, ऑटो रेडियोग्राफी आर पिक्चर्स ऑफ रिजल्टिंग डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, ऐसा पिक्चर का हम लोग, एक तरह का पिक्चर है जिसमें हम लोग डीएनए का सीक्वेंस को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोब, सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, प्रोब, प्रोब का यूज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, टारगेट डीएनए को देखने के लिए, ये भी सही है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, डीएनए को हम लोग जो इंसर्ट करते हैं किसी प्लाज्मिड में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीन स्प्लिसिंग बोलते हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी तीसरा का क्या हो जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एक बार पढ़ो उसको, एक बार पहले पढ़ो, एक बार उसको पढ़ो, बताओ कौन सा सही नहीं लग रहा तुमको। हाँ कौन सा सही लग रहा है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला में क्या बोल रहा है, पहला पहला ऑप्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीड्योर थ्रू विच अ पीस ऑफ डिजायर्ड जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कहते इसको, पहला तो ऑप्शन तो गलत हो गया, फोर्थ का नॉट ट्रू। एक मिनट रुको, नो ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट रुको, हाँ यही तो होता है, डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट बैक्टीरियम, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, हाँ ये सही है बच्चा, फोर्थ का फर्स्ट सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नॉर्मली जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर, बिल्कुल सही फॉर ई कोली, हाँ ये भी करते हैं, होता है ना सिलेक्टेबल मार्कर उसमें, चलो जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंस का, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन हम लोग पढ़े हैं ना। आओ नेक्स्ट आते हैं, द नॉर्मल ई कोली सेल्स डू नॉट कैरी एनी रेसिस्टेंस, ठीक है, अगेंस्ट एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन, बिल्कुल सही बोला कि नॉर्मल ईकोली के पास तो होता नहीं है, हम लोग तो जबरदस्ती उसमें डाल देते हैं ना जीन्स रेसिस्टेंस वाला, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, वन टू और थ्री तीनों सही है, चौथा गलत हो गया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वन रिकॉग्निशन साइट विद द वेक्टर जेनरेट सेवरल फ्रैगमेंट विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, नहीं और तो ये हल्का कर देता है ना। चलो नेक्स्ट आप, नेक्स्ट है पांच नंबर, क्या बोल रहा है, कौन सा सही है जीईएसी के द्वारा, ठीक है, जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है ना, उसके बारे में बता रहा है, तो पूछ रहा है इसमें से क्या क्या सही है उसके बारे में, ट्राई करो, टाइम दिया तुमको, अगर आ जाए तो कमेंट में डाल सकते हो आंसर, ठीक है मैं देख लूंगा, ट्राई इट। चलो ट्राई किया, देखो क्या बोल रहा है,
इट विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च पे अच्छा डिसीजन लेने के लिए या फिर वैलिड डिसीजन लेने के लिए ये कमेटी को बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. बिल्कुल सही है ना. पब्लिक सर्विसेज के लिए है ना, ये भी सही है. चलो पहला और दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया. तीसरा देखो क्या बोला, इट्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड टू द इनटू द इकोसिस्टम. यानी कहने का मतलब क्या, अगर मान लो तुम जीन्स में कुछ चेंजेस कर दिए किसी जानवर के और उसको तुम क्या कर दो, पूरे अपने वातावरण में छोड़ दो, तो कुछ भी कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है. कोई हो सकता है, क्या हो सकता है कि तुम्हारे क्या वातावरण को खराब कर दे, बर्बाद कर दे, है ना. इस प्रकार से बोल रहा है. तो बताओ कौन कौन सा तुमको सही लगा इसके बारे में. क्या होगा, 5 का क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा. ऑल ऑफ दीज सारे सही है यहाँ पे. चलो नेक्स्ट आते हैं 6. देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के साथ, काफी सिंपल है ना. चलो बताओ, ट्राई करो इसको. Try it. Try किया? Try करो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो देखो, चलो बनाते हैं. तो देखो गोल्डन राइस के बारे में बात करते हैं. तो गोल्डन राइस क्या था, गोल्डन राइस क्या था, वो विटामिन ई वाला राइस था ना. उस राइस में क्या था, विटामिन ई था. तो 1 का क्या हो गया, क्यू. ठीक है चलो, अब सेकंड के बारे में बात करते हैं. बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन क्या था, उसमें कौन सा प्रोटीन था, क्राई प्रोटीन, यानी 2 का पी. चलो आते हैं फिर तीसरा पे, थर्ड पे आरएनएआई, यानी आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहा है. तो ये आरएनए इंटरफेरेंस करता क्या था, ये बताओ. ये जीन को साइलेंसिंग करता था, है ना, जीन को साइलेंस करता था. अब फोर्थ आया रोजी. अब ये रोजी क्या थी, पहली काव थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव था. यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट आते हैं 7th पे. चलो ट्राई करो 7th को बनाने का, 7th को बनाने का कोशिश करो. चलो यू हैव 30 seconds, ट्राई करो इसको. चलो ट्राई कर लिया. ओके देखो 7th में क्या बोल रहा है, जीन थेरेपी हैज बीन टेस्टेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट विद अ वाइडर वैरायटी ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड इन न्यूमरस केसेस इट हैज प्रोड्यूस कंप्लीट कर्व. ठीक है, क्या बताया, कंप्लीट कर्व. अब यहां पे तुमसे पूछा इसमें से सही कौन सा है. ठीक है, सही इसमें से कौन सा है. ठीक है, तो देखो यहां पर तो फर्स्ट जो लाइन बोल रहा है वो तो सही लग नहीं रहा है. कंप्लीट कर्व तो न्यूमरस केसेस तो होता नहीं है, है ना. कंप्लीट कब तो बना नहीं सकता, अभी तो उतना रिसर्च हुआ भी नहीं है ना पहले. चलो यानी फर्स्ट तो होगा नहीं. चलो नेक्स्ट आते हैं, सेकंड पे आते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर क्यूरिंग द डायबिटीज. हाँ ये सही है, बिल्कुल मास प्रोडक्शन में मदद करता है ना हम लोग को. 7th का चलो 2 सही है यहाँ पे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3rd पे. डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इज द बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज. बिल्कुल सही, यानी 2 और 3 ऑप्शन हमारा सही है. नेक्स्ट देखते हैं चौथा. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. नहीं, प्लांट ब्रीडिंग थोड़ी है ये. तो क्या हो जाएगा, चौथा गलत, दूसरा और तीसरा ही सही. यानी 7th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2. चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम. आओ 8 पे. क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इसमें से क्या है जो इनकरेक्ट है. ठीक है, टाइम दिया 30 सेकंड का, कोशिश करो. Try it. Try किया?
पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है. तो क्या बोला, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस आर एक्सलेंट मॉडल फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. ठीक है, इसमें से ये ही पॉइंट क्या है इनकरेक्ट है, गलत. ठीक है, ओके. तो जो 8 का जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, गलत है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखो, द मेजोरिटी ऑफ बकुलियो वायरस यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. ये पहला ऑप्शन सही है. दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है. तीसरा ऑप्शन भी क्या है, नो नेगेटिव इंपैक्ट, बिल्कुल सही. ठीक है, सही है. अब आगे बढ़ते हम लोग. ठीक है, क्या बोला, विच वन इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. पूछ रहा है कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन नहीं है, बताओ कौन सा एप्लीकेशन नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, बताओ. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कौन सा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे. इमिग्रेशन केसेस तो ये नहीं यूज कर सकते हैं, पैटर्निटी पता लगाने के लिए भी नहीं यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, पैटर्निटी पता करने के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. इमिग्रेशन केसेस के लिए भी आ गया जो. ठीक है, अब आओ, जीन म्यूटेशन को पहचानने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं. थेरेपी फॉर क्यूर SCID सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, नहीं ये नहीं कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, नाइन्थ का थर्ड, डीएनए फिंगर प्रिंट का जो एप्लीकेशन है नाइन्थ का थर्ड नहीं है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. टेंथ का देखो, चलो 30 सेकंड्स है तुम्हारे पास, सॉल्व करो इसको एक बार, ट्राई करो. Try it. Try किया क्या बोल रहा है, genetically modified food is not desirable. genetically modified food लोग लेना नहीं चाह रहे हैं. ठीक है, क्यों desirable नहीं है, because क्या क्या because, बहुत सारे रीजन है ना, चलो बता मुझे. हो सकता है कि तुमको एलर्जीज हो जाए, देखो पहला ऑप्शन है ना एलर्जीज एंड टॉक्सिसिटी, बिल्कुल सही है. हो सकता है कि क्या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस तुम्हारे में आ जाए. थर्ड बोला क्या मेटाबॉलिज्म और ड्यू टू एंजाइम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, हो सकता है कि क्या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ जाए, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ जाए, है ना. तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. तो टेंथ का क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन. ओके चलो नेक्स्ट, क्या बोला, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताओ मुझे, ट्राई करो. यू हैव 30 सेकंड्स, ट्राई करो इसको. इलेवेंथ का बताओ, ट्राई किया, चलो देखते हैं क्या क्या होगा. ओके चलो देखो क्या बोल रहा है, पहला बोला बायोपायरेसी. तो बायोपायरेसी के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या मिल रहा है, बायो प्रोस्पेक्टिंग. क्या बोल रहा है, बायो प्रोस्पेक्टिंग. ठीक है, कोई बताना चाहेगा बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, एनीवन. चलो कोई नहीं, तो देखो इसका हो जाएगा क्या, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट. ठीक है, क्या हो जाएगा, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, यानी वन का क्यू और टू का आर. चलो अब थर्ड पे आते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. इसका क्या होगा बताओ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मेन पर्पस क्या है, अननोन कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए. अननोन कंपाउंड जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, सर्च फॉर अननोन कंपाउंड, यानी थर्ड का पी. ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोजोम्स का. ट्रांसपोजोम्स का मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, फोर्थ का आर. क्या हो जाएगा, फोर्थ का आर या एस, कोई बताएगा. टू का क्या हो जाएगा, आर ना,
यानी क्या हो जाएगा, 11th का ऑप्शन थर्ड। चलो कोई दिक्कत यहां तक, नेक्स्ट आओ। यहाँ पे 13th एंड 14th लिखा हुआ है, चलो बताओ ट्राई करो उसको। बीटी टॉक्सिन किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट, कैसे मारता है बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स के लार्वा को, कैसे किल करता है, कोई बताना चाहेगा एनीवन? बीटी टॉक्सिन किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स कैसे? कैसे? बाय बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिड गट इपिथेलियल सेल्स क्रिएटिंग पोर्स लीडिंग टू स्वेलिंग एंड लाइसिस। यानी कहने का मतलब क्या, कैसे एक्टिवेटेड टॉक्सिन से क्या करता है, बाइंड कर जाता है मिड गट इपिथेलियल, है ना, क्या करता है छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं जिससे क्या होता है स्वेलिंग हो जाता है, यानी फूल जाता है वहां पे, फिर छेद होता है छोटा छोटा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके चलो अब 13th के बारे में बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है 13th में विच ऑप्शन इज करेक्ट, चलो बता मुझे ट्राई करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, एनीवन? देखो 13th में क्या बोला, कौन सा ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है ना। देखो पहला क्या बोला, द प्रोटीन इनकोडेड फॉर जीन क्राई 1 एसी एंड क्राई 2 ए बी कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म, सही है बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या बोला, प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई 1 ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर, हाँ ये भी सही है, कॉर्न बोरर को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन 3 यानी बोथ 1 एंड 2, ओके ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ठीक है बच्चा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके अगर और क्लासेस करनी है तो ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी में। ओके चलो बाय बाय, बाय एवरीवन।